बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है इंटरनेशनल माइंडेडनेस, बैनुल अक़वामी ज़हनियत क्या है और इसका एजुकेशन में क्या इस्तेमाल हो रहा है और व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस इन फ्यूचर, फ्यूचर में इसकी अहमियत क्या है। आजकल एक टर्म इस्तेमाल हो रही है आईबी, इंटरनेशनल बैकलोरेट। ये इंटरनेशनल बैचलर डिग्री है, इसमें मास्टर डिग्री भी करवाई जा रही है। इंटरनेशनल माइंडेस एक तसव्वुर है, एक कॉन्सेप्ट है। हर मुल्क में तालीमी निज़ाम बुनियादी हैसियत रखता है। तालीम और माशी खुशहाली एक दूसरे का, इनके चोली दामन का साथ है। तालीम अच्छी होगी तो माशी हालात मुल्क के अच्छे होंगे। तालीम ही किसी कौम की सकाफत को एक नसल से दूसरी नसल में मुंतकली का बायस बनती है और अब पूरी दुनिया म्यारी तालीम, तालीम के म्यार के लिए कोशिश है कि म्यारी तालीम बच्चों को दी जाए। पाकिस्तान में भी आईबी प्रोग्रामिंग मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर में 10-11 स्कूल ऐसे हैं जो आईबी प्रोग्रामिंग मॉड्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटरनेशनल माइंडेडनेस एक सवर, एक कॉन्सेप्ट है और ये आईबी में प्रोग्रामिंग मॉड्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मॉड्यूल का मतलब मुख्तलिफ सकाफतों को समझना है। आज दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बनती जा रही है और मुख्तलिफ ममालिक जो है बहुत करीब आ गए हैं, उनकी जो सकाफत है, उनका जो कल्चर है वो भी ओवरलैप कर रहा है। तो मुख्तलिफ नुक्ता नजर को पेश करना इसका एक बेसिक चीज है। इससे तलबा जो है डाइवर्सिटी सीखते हैं, बट डाइवर्सिटी को समझने में उनकी मदद मिलती है। इंटरनेशनल माइंडेडनेस एहतराम को फरोग देती है और तावन की हौसला अफजाई करती है। इससे जो बच्चे इंटरनेशनल माइंडेडनेस सीखते हैं उनमें हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है। दूसरे ममालिक के जो लोगों से उनका मिलाप होता है तो उनसे तावन और हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। ग्लोबलाइजेशन से लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतें और उनका जो कल्चर है वो दूसरे ममालिक पे असर कर रहा है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में परवान चढ़ रहे हैं। उनके सामने मुख्तलिफ कल्चर है। अब नेट का दौर है, इंटरनेट के दौर में एक बच्चा कंप्यूटर पे, टीवी पे, लैपटॉप पे जब उसको ओपन करता है तो उसके सामने हर मुल्क की सकाफत, हर मुल्क का कल्चर उसके सामने होता है, वो उससे बहुत कुछ पिक कर रहा होता है। इसलिए मुख्तलिफ खितों और मजहब के लोगों के साथ मौसर और हसास तरीके के साथ लाइफ गुजारना, उनके साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, अपनी बात उनको समझा लेना, उनके साथ कोलैबोरेट करना, ये सब कुछ इंटरनेशनल माइंडेडनेस में सिखाया जा रहा है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इंटरनेशनल माइंडेडनेस की मुस्तकबिल में क्या अहमियत है। इसके लिए मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, जिसमें सबसे पहले ये है, पहला पॉइंट ये है कि ये तलबा को जस्तजू करने, काम से पहले सोचने के काबिल बनाती है, इंस्पायर करती है। जब हम लोगों को काम करना है उससे पहले आप सोचें कि आपने करना क्या है। ये ट्रेन तलबा को बहुत से सवाल पूछने के लिए इनकरेज करती है। ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें बच्चे को सवाल करने के लिए आजाद छोड़ दिया जाता है, उसको सवाल करने से मना नहीं किया जाता, बल्कि वो सवाल करते हैं और सीखते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि बेटा आपने जो पूछना है पूछो। उन्हें जिम्मेदाराना इंतखाब करने और दूसरों की मदद करने की जरूरत होती है। ये तलबा को वाज़े और पुरएतमाद कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना सिखाती है। इंटरनेशनल माइंडेडनेस है, इससे बच्चे में खुद एतमादी आती है और वो अच्छा कम्युनिकेटर बनता है। और कम्युनिकेटर बनने के लिए अच्छा कम्युनिकेटर वो है जो अच्छा लिसनर होता है, तो ये उसको एक्टिव लिसनर भी बनाती है। इस लर्निंग मॉड्यूल के तहत तलबा एक से ज्यादा जुबानों में इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। इंटरनेशनल का मतलब है बैनुल अक़वामी, तो कौमों के दरमियान में, मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान में मुख्तलिफ लैंग्वेज सीखने वाला बच्चा जो है वही कामयाब हो सकता है, वही दूसरी जबान में दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर सकता है। अब इंटरनेशनल अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो जो बच्चा अच्छी इंग्लिश समझ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, वही दूसरे इंग्लिश जो मालिक है उससे, वहां के जो लोग हैं उनसे कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकता है। तो इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए मुख्तलिफ जबानों का आना बहुत जरूरी है। इनको एक्टिव लिसनर बनने में भी इंटरनेशनल माइंडनेस मदद देती है और सबसे बड़ी चीज कि दूसरों की रिस्पेक्ट सिखाती है। इंटरनेशनल माइंडनेस तलबा को इस बात पर प्राउड फील
करवाती है कि वो कौन है, तलबा को खुद मुख्तार और काबल बनाती है। इंटरनेशनल माइंडनेस जो है उन्हें ईमानदार बनाती है और मुनसफाना इंतखाब करने की अहमियत सिखाती है। ये तलबा के साथ, ये तलबा लोगों के साथ साथ माहौल का एहतराम और ख्याल रखना भी सीखते हैं। इंटरनेशनल माइंडनेस सिर्फ लोगों का एहतराम और इज्जत करना नहीं सिखाती, बल्कि माहौल, जो कल्चर है, जो उनका माहौल है, इर्द गिर्द उनका जो माहौल है, उसका भी एहतराम सिखाती है और उसका ख्याल रखने की तरगीब देती है। इंटरनेशनल माइंडनेस तलबा को नई सकाफतों और तजर्बा से रोशनास करवाती है। इस लर्निंग मॉड्यूल का बुनियादी मकसद ओपन माइंडेड रहने की तरबियत देना है। जब आप दूसरे मालिक के लोगों से मिले तो ओपन माइंडेड होकर मिले, आप उनका एहतराम करें, उनको इज्जत दें और मुख्तलिफ चीजों को कई तरीके से सीखना और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव जो है उनको मजीद वसी करती है। ये इंटरनेशनल माइंडनेस तलबा की हौसला अफजाई करती है कि वो मुस्बत रवैया अख्तियार करें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ नई चीजों को आजमाएं, रिस्क लें और बास बात इसी बेस पे उन्हें गलत होने का मौका भी मिलता है कि इंसान हमेशा सही काम ही नहीं कर सकता। इसकी वजह से वो अगर कोई गलत काम भी करते हैं तो उस गलती से भी सीखते हैं। इंटरनेशनल माइंडनेस तलबा पर जोर देती है कि वो इस बात पर गौर करें कि वो खुद को कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो अपना एनालिसिस करते हैं और वो देखते हैं कि वो किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज में वो कमजोर हैं, उनकी ताकत क्या है, उनकी कमजोरियां क्या है। ये चीजें भी इंटरनेशनल माइंडनेस बच्चों को इस चीज पे काबिल बनाती है, उनको एनालिसिस करने के काबिल बनाती है कि उनमें क्या क्या खूबियां हैं उसको भी जाने और उनमें क्या क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां उनको भी जाने। मुकाम और जिंदगी के तवाज़ुन को समझते हैं जो बच्चे इसकी स्टडी करते हैं। जुबानें जो बातें बच्चों को इब्तदा ही में सिखा दी जाती है, टारगेट को जिंदगी में जो उन्होंने बाद में जिंदगी में हासिल करना होता है, जो काम उन्होंने करने होते हैं, जिस टारगेट को अचीव करना होता है, ये बातें शुरू में उन्हें सिखा दी जाती है, उसी को लेकर आगे चलते हैं और अपने मकसद में कामयाब होते हैं। आजकल मुआशी माहौलियाती और सियासी आलमी सूरत हाल ऐसी है कि हम सिर्फ अपने बारे में, अपने खानदान के बारे में या अपने मुल्क के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि हमें मुल्की लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी सोचना पड़ता है। लर्निंग मॉड्यूल के तौर पर इंटरनेशनल माइंडेडनेस तलबा को ऐसे इकदाम करने की तरगीब देती है जिससे वो अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए इस दुनिया को एक रहने के लिए बेहतर जगह बना सके। थैंक यू।